नर्वस सिस्टम का हम लोग इकाई पढ़ ली, हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ये सिस्टम को हम लोग तीन में बांटते हैं, तीन तरह का होता है, तीन टाइप का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस और तीसरा है एएनएस। सीएनएस का मतलब हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम। यह हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और यह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसे क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके बेसिकली दो भाग हैं, एक इसमें आ गया ब्रेन मस्तिष्क और दूसरा इसमें आ गया स्पाइनल कॉर्ड। इसके भी दो भाग हैं, एक इसमें आएगा इस क्रैनियल नर्व और एक आगे स्पाइनल नर्व। और इसके भी दो भाग हैं, पैरासिंपेथेटिक और दूसरा है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक तो दोनों तीनों के क्या है, दो दो भाग हैं। अब इस और ये छेों के छेों जो भाग हैं, ये आपस में क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूप में काम करता है, आपस में ये एकत्रित रूप में ये काम करता है। ये हम लोग को यहां पे समझना है कि आपस में ये कैसे इंटीग्रेटेड रूप में ये काम करता है। तो पहले इतना आप लोगों ने पहले लिखो, इसके बाद फिर मैं बताता हूं। हम लोग देखते हैं सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब हुआ इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ब्रेन हमारा, इसमें आएगा हमारा ब्रेन। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये सबके सब क्या हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। और पता होगा आपको बैकबोन, ये बैकबोन है ये बेसिकली, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप लोग, इसको ऐसे याद रखना। और ये है हमारा ब्रेन, ये ब्रेन क्या है, कवर्ड है ऐसे, ये बाहर से कवर्ड होता है एक आवरण से, इसका नाम होता है मेनिंजेस। इसका कवर्ड है ये हमारा एक आवरण से, इसका नाम क्या है, मेनिंजेस। इसे पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों क्या होता है, इसे कवर्ड होता है इसे। और इसके ऊपर क्या होगा, हमारा स्कल का लेयर होगा, जो स्कल है उसका लेयर इसके ऊपर में होगा। ये है हमारा स्कल का लेयर, स्कल के ऊपर क्या होगा, फैट का लेयर होगा, उसके बाद ऊपर स्किन होगा, उसके स्किन के ऊपर क्या होगा, बाल होगा।
अब ऐसे समझो, ये हो गया व्यक्ति, ये इसका ब्रेन है ये। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला क्या है? ब्रेन है ये। और ये जो यहां से यहां तक पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों, ये है क्या स्पाइनल कॉर्ड? और ये दोनों किसका पार्ट है? तो ये दोनों क्या है? सीएनएस का पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है ये। दूसरा समझना गौर से, इस ब्रेन के भीतर से यहां से नर्व निकलता है और ये नर्व इससे गुजरता है, जैसे मोमबत्ती में धागा निकलता है ना, वैसे ही धागा ये नीचे आ रहा है ये। और ये सर से पूंछ तक, टेल बोन जो है कमर में, वो टेल बोन तक गया हुआ होता है ये धागा। ऐसे धागों की संख्या कहते हैं तो 12 जोड़ा होता है ये। ये धागा क्या है? बेसिकली ये है क्रैनियल नर्व, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व। ये नर्व है, ये क्रैनियल नर्व है ये। और इसी धागा से, क्योंकि तो जब तुम्हारा शरीर है तो तय बात है कि शरीर में और अंग भी तो होंगे। हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न क्या अंग हैं यहां पे? ठीक है, तो हमारे अंग उंग भी यहाँ पे ही है, बांह वगैरह जैसे मान ली, मैंने कहा यहाँ पे हो गया। तो जो अंग है, इन अंगों में यहां से न्यूरॉन गया हुआ है, जो जुड़ा हुआ है क्रैनियल नर्व से, वो न्यूरोन ये है जो इस अंगों से जुड़ा, मतलब हाथ में गया ये, हाथ के हाथ में गया, कोई न्यूरोन यहां से गुजर करके इस रास्ते से बीच से बीच होते हुए ये जाएगा आंख में जाएगा, कोई यहां से गुजर करके हमारे ये होठ में नीचे चिपका हुआ है, कोई और नीचे वाला होगा तो लीवर उवर में जाएगा, कोई स्टमक में जाएगा ऐसे, कोई स्टमक में, यहाँ पे स्टमक होगा तो स्टमक में जाएगा ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे बीचों बीच गुजर के एक तरफ से इधर से दूसरी तरफ से इधर से ये जाएगा ये। ये जो हरा हरा जो न्यूरॉन देख रहा है, ये सारे हरे हरे क्या न्यूरॉन्स क्या है बेसिकली? ये हमारा स्पाइनल नर्व, क्या है? स्पाइनल नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। इसका क्रैनियल नर्व का संख्या कितना है? क्रैनियल नर्व का संख्या है 12 जोड़ा, और ये क्या है? 31 पेयर, 31 जोड़ा। और ये दोनों नर्व किस में आता है? तो पीएनएस में आ गया ये। किस में आएगा? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया। अब मान लो तो दो नर्वस सिस्टम, तो ये हो गया, एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब वो परिधि है, जो किनार, जो शरीर में जितने भी अंग हैं सबको जुड़े हुए, शरीर के सभी अंगों कौन जुड़े हुए? तो परिधि जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रल से जुड़े हुए। और सेंट्रल में क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। परिधि अंगों में जुड़े हुए हैं, तो अंगों में दो तरह की क्रिया होगा, अंगों में दो तरह की क्रिया होगा, क्या होगा? अंगों में या तो एक्साइटमेंट होगा, अंगों में या तो फैलाव होगा, या तो उसमें सिकुड़न होगा, या तो तनाव होगा, या तो ढीला होगा, या तो उत्तेजना होगा, या तो शांत होगा, या तो हंसता होगा, या तो रोता होगा, या तो एकदम से बहुत ज्यादा वो ऊर्जावान महसूस करेगा, या तो एकदम से बिना ऊर्जावान महसूस करेगा। तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये आता है ऑटोनोमस में। जैसे मान लो तुम्हें गुस्सा आया, तो गुस्सा आने का साइन क्या? तुम्हारी आंख फैल जाएगा, यहाँ पे आंख फैल गया, आंख बड़ी बड़ी हो, पुतली फैल गई। और तुम अगर शांत हो गए, तुम अगर शांत हो जाते हो, तुम्हारी आंखें क्या हम छोटी हो जाएंगी, सिकुड़ गया। ये शांत आंख है, गुस्सा वाला आंख है। तुम्हारे अमाशय के अंदर, अगर अमाशय क्या हुआ, इसके अंदर हलचल तेज हो जाए, इसका इसका ये फैलना शुरू करे, और दूसरा कि अमाशय में भूख लगा हुआ है, ये सिकुड़ा हुआ अमाशय है ये। तो अमाशय में अगर एक्टिविटी शुरू हो गया हो, वैसे ही तुम्हारे मांसपेशी में संकुचन ना हो जाए, कि मांसपेशी का कॉन्ट्रैक्ट करे एकदम से फूल जाए, गुस्सा के मारे ये फूलना शुरू हो गया, और दूसरा क्या है, मांसपेशी का है एकदम से वो सुस्त ठंडा पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है ये। तो मांसपेशी का फूलना या अमाशय का क्या हुआ, उसको उसमें उसका क्रिया प्रारंभ होना, ये आंखों का फैलना, ये सब के सब क्या प्रकट कर रहा है? तो ये सब के सब उत्तेजना को प्रकट कर रहा है, ये उत्तेजना को प्रकट कर रहा है।
और ये आंखों का सिकुड़ छोटा होना, अमाशय का शांत होना, मांसपेशी का ठीक है ना शांत हो जाना, ये क्या है? ये शिथिलता को प्रकट कर रहा है। ये क्या शिथिलता को प्रकट कर रहा है? काम डाउन को, ये शिथिलता है। जो पैरासिंपैथेटिक है वो ये वाला हो गया, पैरासिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होगा पीएनएस में पढ़े हो, पैरासिंपैथेटिक पीएस ये हो गया। असिंपैथेटिक क्या होगा? ये करेगा, सिंपैथेटिक जो नर्वस है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वो उत्तेजना को लाएगा, और पैरासिंपैथेटिक क्या लाएगा? शिथिलता को लाएगा। और ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा आवेग। ये तय कौन करेगा? आवेग। जैसे मैंने तुम्हें कुछ कहा, मैंने तुम्हें कहा कि तुम बदमाश बच्चा हो, और तुम बदमाश बच्चा हो, तुम बहुत ज्यादा बदमाश बच्चा हो, तुम इतने शैतान बच्चे हो कि तुम्हारा शैतानी हम क्या कहें, बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा हो। अब मान लो मैंने ये बात कहा तुमको, तो ये बात है क्या हुआ? तुम्हें सुना, तुम्हारे कानों से कहां गया? ये मस्तिष्क में गया। मस्तिष्क ने उस शब्दों को का वजन किया, और मस्तिष्क को बुरा जब लगेगा तो मस्तिष्क दूसरा तरह का स्टिमुलस पैदा किया, और ये आएगा क्रैनियल नर्व से, फिर आएगा किसमें? यहां से आएगा ये स्पाइनल नर्व, सॉरी क्रैनियल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ये कहां से? तो स्पाइनल नर्व के माध्यम से तुम्हारे आंखों में जाएगा, और मैंने तुम्हें कहा है बुरा बुरा, तुम अब आंसू वहां बहाना शुरू करोगे, तुम रोना शुरू कर दिए मेरे कहने से। एक ये हो सकता है, तुम रोना शुरू कर। दूसरा हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेन में गया, तुम्हें गुस्सा आना शुरू किया कि जब तुमने गलती किया नहीं है, तुम्हारे अंदर फिर से वही क्रैनियल नर्व के रास्ते से फिर स्पाइनल में आएगा, स्पाइनल के रास्ते से फिर आंखों में, और आंखें एकदम से गुस्सा से लाल हो रहा है क्योंकि तो तुमने गलती नहीं किया हुआ है। आंखें वही हैं, बदल क्या गया था? मेरा स्टिमुलस जो हमने दिया, और चूंकि तुमने गलती नहीं किया था, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और तुमने गलती किया है तो तुम रोना शुरू कर दिए। रोना और गुस्सा दोनों दो घटनाएं हैं, और यही है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का काम। किसी अंग में उत्तेजना पैदा करना है, शिथिलता पैदा करना है, गुस्सा को भड़काना है या गुस्सा को कम करना है, एक्साइट करना है कि उसको काम डाउन करना है, ये तय करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इस प्रकार से तीनों नर्वस सिस्टम एकीकृत रूप में काम करता है। तो इतना बात सब लोगों को समझ में आया? यस नो, तीनों क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है? हाय हाँ है ना। इसमें तुम लोग को याद क्या रखना चाहिए? तुमको याद रखना चाहिए ठीक है ना कि क्रैनियल नर्व कितना जोड़ा होता है, तो याद रखना 12 जोड़ा, और स्पाइनल नर्व कितना होता है? 31 जोड़ा। ये दो बातें याद रखना अभी यहां पे, और हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, और ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं समझना होगा कि कब जब गुस्सा आता है तो किसके कारण और किस नर्व के कारण? सिंपैथेटिक के कारण। अशांत होते तो किसके कारण? पैरासिंपैथेटिक के कारण। नेक्स्ट में खेडिंग, अब बनाओ ब्रेन। मस्तिष्क और एक लाइन यहां पे मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिख रहा तुम लोग, ब्रेन हमारे शरीर का सबसे वजनी अंग है। तो ब्रेन का वेट होता है 1 kg 400 ग्राम, 1 kg 400 ग्राम। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख सकते हो, हमारे मस्तिष्क का क्षमता कितना होता है? मस्तिष्क क्षमता या कपा बोलते हैं क्रैनियल कैपेसिटी, मस्तिष्क क्षमता या क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी ये होता है 1400 cc। तीसरा पॉइंट, हमारा ब्रेन किससे बना हुआ है? तो ब्रेन बना है वसा और पानी से बना है, 60% वसा है इसमें, प्लस 40% पानी है, और इसी पानी में लवण भी है, इसी पानी में अलग अलग तत्व भी है, यौगिक भी है, प्रोटीन भी है,
अमीनो एसिड भी है सब इसमें है, इस पानी में घुला हुआ है। चौथा पॉइंट, ब्रेन किससे कवर्ड है? हमारा ब्रेन आवृत होता है हमारा मेनिंजेस के आवरण से, मेनिंजेस के आवरण से, पांचवा सवाल है ब्रेन का मुख्य काम क्या है? तो ब्रेन का मुख्य कार्य है शरीर का समन्वयन करना, शरीर का समन्वयन करना। बॉडी के सभी अंगों में के बीच में तालमेल बैठाना, सभी अंगों में तालमेल बैठाना, ये हमारे ब्रेन का काम होता है। इतना लिख लिया। अगर मैंने अभी कहा ब्रेन बाहर से मेनिंजेस के आवरण से आवृत है और मेनिंजेस बाहर से स्कल जो होता है, स्कल का जो खोपड़ी है उससे आवृत होता है, अगर ये ब्रेन के मेनिंजेस में संक्रमण हो जाए, जो ब्रेन है इसके बाहरी जो परत है मेनिंजेस, मेनिंजेस में यदि संक्रमण हो जाता है तो उससे जो रोग होता है, उससे होने वाले रोग को मेनिनजाइटिस कहते हैं, मेनिनजाइटिस रोग कहते हैं। इतना याद रखना। अब मेनिनजाइटिस में कहते हैं कि मेनिनजाइटिस बेसिकली दो तरह का होता है, ये जो रोग है ये दो तरह का होता है, एक होता है वायरस के द्वारा और दूसरा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। जो वायरस वाला मेनिनजाइटिस है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया है जो इस रोग को पैदा करता है, जैसे मतलब न्यूमोनिया हो गया तुमको और न्यूमोनिया के कारण क्या होगा, मेनिनजाइटिस हो जाएगा, या तुमको अगर ई कोलाई का संक्रमण है उससे भी हो सकता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वो स्ट्रेप्टोकॉकस हो, स्ट्रेप्टोकॉकस ठीक है, न्यूमोनिया हो या तुमको ई कोलाई का संक्रमण हो, इसमें से किसी से भी क्या हो सकता है, हमें बेसिकली मेनिनजाइटिस हो सकता है। और ये जो मेनिनजाइटिस है किसी नया नवजात बच्चा को हो सकता है, कोई बड़ा युवा लड़का है उसको हो सकता है, कोई टीनेज का लड़का है यंग है उसको हो सकता है, या कोई ओल्डर व्यक्ति है बूढ़ा व्यक्ति है उसे भी हो सकता है। बच्चों में जीवाणु से होने वाला जो मेनिनजाइटिस है उसका खतरा ज्यादा होता है, इस बात सबको इसको याद रखना। आप कभी ट्रैवल करते हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोट लग गया तो उससे भी मेनिनजाइटिस हो सकता है, किसी को टीबी हुआ है, टीबी के कारण भी क्या होता है, मेनिनजाइटिस हो जाता है। ये मेनिनजाइटिस के तमाम इसके ये हैं लक्षण इसके। अब लक्षण में क्या आएगा, मान लो तुमको बुखार आ जाएगा, सर में हेडेक बना रहेगा, तो ये सब बातों को आप लोगों को यहां पर याद रखना है। मेनिनजाइटिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, एक और कॉमन बैक्टीरिया नाम मेनिंगोकॉकस बैक्टीरिया भी होता है। ये सवाल यूपीएससी में इसी बैक्टीरिया का नाम पूछा हुआ था कि मेनिंगोकॉकस स्वास्थ्य में दिया हुआ था, मेनिंगोकॉकस या कॉकल बैक्टीरिया, एक बार सवाल यूपीएससी में आया हुआ है ये, तो इस बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ था। अगर जिनले टिक लगा था आराम से बन जाता,
और कहते हैं इसके कई सारे टाइप हैं मेनिंजाइटिस का, ठीक है। किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है, इन्फ्लुएंजा वाले को मेनिंजाइटिस हो सकता है। और लगभग लगभग हम लोग देखते हैं कि प्रति साल मैंने हर मैंने प्रत्येक वर्ष भारत में भी 400 से 500 केस हमें मेनिंजाइटिस का देखने को हम लोगों को मिल जाता है। कुछ ऐसे भी मेनिंजाइटिस हैं जो फंगस कारण भी होता है, कुछ रसायन कारण होता है। तो अगर सवाल आया कि मेनिंजाइटिस किस किस का कारण हो सकता है, तो न केवल वायरस बैक्टीरिया कारण होता है, बल्कि ये तुम्हें फंगस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और कई दफा ये नॉन इन्फेक्शियस भी होता है, ये गैर संक्रामक भी होता है। ये क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से भी होता है, जैसे चोट लगना। तो तमाम सारे इसके कारण हैं। और इसका लक्षण क्या होगा? बुखार लग जाएगा, सर में दर्द रहेगा, आप सही से मतलब आपको कठिनाई होगी सोचने में, पढ़ने में, समझने में, इसमें दिक्कत होगी। और इसका इलाज आप करवा सकते हो, इसका इलाज है, ऐसा नहीं इलाज नहीं, इसका इसका ट्रीटमेंट भी है। तो पहले इतना बात याद रखोगे। अब ये ब्रेन का जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन लिखो है,